हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉनटेक और जॉनटेक के TWKS प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है लोड फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर एंड डिमांड फैक्टर। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोड फैक्टर। ठीक है, लोड फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये रेशो होता है अपने पास एवरेज लोड और अपने पास मैक्सिमम डिमांड का। डेफिनेशन लिखिए, इट इज रेशो ऑफ एवरेज डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, यानी कि LF लोड फैक्टर एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ये होगा अपने पास लोड फैक्टर। अब देखिए एवरेज डिमांड और मैक्सिमम डिमांड क्या होंगी अपने पास। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लोड कर्व यूज़ करते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये एक लोड कर्व है। ठीक है, क्लियर। ये अपने पास जो ड्यूरेशन है यानी कि ये सिक्स ओवर में अपने पास जो लोड रहा ये है। ठीक है, क्लियर चीज। 12 ओवर में लोड रहा जो अपने पास ये है। ठीक है, और जो 24 ओवर में जो लोड रहा वो ये है। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू नोट कर देते हैं। ये वैल्यू है अपने पास 40 मेगावाट, ये वैल्यू 60 मेगावाट और ये है 100 मेगावाट। ठीक है, यहाँ पावर होगी और यहाँ होगा टाइम। ठीक है, ये टाइम हावर्स में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिएगा लोड कर्व जो बनता है, प्लॉट होता है, वो अपने पास किसके बीच में प्लॉट होता है, पावर और टाइम्स के बीच में प्लॉट होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ जो अपने पास मैक्सिमम लोड है ये वाला जो है, ठीक है, इसे बोला जाता है मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड कितना आ गया मेरे पास, 100 मेगावाट। ठीक है, क्लियर चीज़। ठीक है, और ये जो एवरेज लोड है तो इस ड्यूरेशन में जो एवरेज लोड है वो अपने पास कितना बना हुआ है, यानी 40 मेगावाट। तो अपने पास क्या है कि सब में कॉमन है, ये तो चलता रहा है, तो इसका मुझे एवरेज निकालना होगा। तो मुझे निकालना होगा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, क्लियर चीज। और उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एवरेज लोड जो फाइंड होगा, एवरेज लोड, ठीक है, वो आप फाइंड करेंगे एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, क्लियर चीज। जैसे यहाँ टोटल टाइम जो है वो 24 आवर्स है। ठीक है, तो यहाँ कर्व कितने बन रहे हैं, एक ये वाला कर्व हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, एक ये वाला कर्व हो गया, सेकंड कर्व ये होगा, थर्ड कर्व ये हो गया। ठीक है, तो जैसे इसका आपको एरिया निकालना ये होगा 40 × 6 प्लस इसका वाला एरिया निकालना ये होगा अपने पास 100 × ठीक है 40 वाला इसका था बेटा, ये 60 है। ठीक है, ये 60 × 6 100 × तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया प्लस। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस आ गया 12 आ गया, तो ये आ जाएगा 40 × 12। टोटल टाइम कितना था, 24। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज लोड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड आपको मालूम ही है, इससे आपका निकल जाएगा लोड फैक्टर। अब देखिए लोड फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट टाइप के लोड के लिए अलग अलग होती है। जैसे अपने पास लोड कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के लोड होते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास हो गया डोमेस्टिक लोड। ठीक है, कमर्शियल लोड। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल लोड एंड एग्रीकल्चर लोड। ठीक है, अब देखिएगा एग्रीकल्चर लोड के लिए अपने पास जो लोड फैक्टर होता है वो होता है अपने पास 15 से 25% होता है। ठीक है,
और डोमेस्टिकली होता है 10 से 15%, ठीक है, और कमर्शियल के लिए होता है 25 से 30%, और जो इंडस्ट्रियल के लिए होता है वो 60 से 65% होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो जो मोस्टली जो चांस है वो इन्हीं वैल्यू से पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर चीज़। तो सबसे ज़्यादा जो है कि अपने पास डोमेस्टिक लोड और इंडस्ट्रियल लोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा अपने पास एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्लियर चीज़, ठीक है। सेकंड फैक्टर है अपने पास डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर। तो देखिएगा कि जो सभी फैक्टर हैं उसमें मोर देन यूनिटी जो वैल्यू होती है केवल डाइवर्सिटी फैक्टर की होती है, ठीक है। ये रेशो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, क्लियर चीज़। इट इज रेशो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड ऑफ प्लांट, ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, एंड मैक्सिमम डिमांड ऑफ प्लांट, ठीक है, क्लियर चीज। ये हो गया अपने पास डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। अब डाइवर्सिटी फैक्टर जो है इसकी जो अपने पास वैल्यू होती है वो अपने पास क्या होती है, मोर देन यूनिटी, ठीक है। ओनली वन फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, मोर देन यूनिटी होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज मोर देन यूनिटी, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा यहाँ भी अपने पास जो लोड होंगे अपने पास कौन कौन से होंगे, डोमेस्टिक लोड, कमर्शियल लोड। तो देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है अपने पास डोमेस्टिक लोड के लिए 1.2 से 1.3 के बीच होती है, और कमर्शियल लोड की वैल्यू होती है वो 1.1 से 1.2 के बीच में होती है। नेक्स्ट है अपने पास इंडस्ट्रियल लोड, इसके लिए वैल्यू जो होगी 1.3 से 1.6 के बीच में होती है, और जो अपने पास एग्रीकल्चर लोड होता है, ठीक है, इसके लिए जो वैल्यू होती है 1 से लेके 1.5 के बीच में होती है, क्लियर चीज। ये वैल्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इन चारों में से भी जो इम्पोर्टेंट है आपके जो पूछी जाती है वो ज़्यादातर एक तो डोमेस्टिक लोड की पूछी जाती है और एक कमर्शियल लोड की पूछी जाती है, क्लियर चीज, ठीक है। तो ये था आपके पास डाइवर्सिटी फैक्टर, क्लियर चीज। नेक्स्ट जो आता है अपने पास वो आता है डिमांड फैक्टर, ठीक है, डिमांड फैक्टर। देखिए डिमांड फैक्टर क्या होता है, ये जो अपने पास रेशियो होता है, ठीक है, ये होता है मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, एंड कनेक्टेड लोड, ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड कनेक्टेड लोड, ठीक है, क्लियर चीज। डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, ठीक है, क्लियर चीज।
तो ये हो गया प्रैक्टिकल. इसकी पॉसिबल वैल्यू होती है जो अपने पास लेस देन यूनिटी होती है, और आइडियली इसकी जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, यानी प्रैक्टिकली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन यूनिटी होगी. ठीक है, लेस देन यूनिटी. ठीक है, और आइडियली पूछ ले, आइडियली पॉसिबल वैल्यू. ठीक है, वो होती है यूनिटी. क्लियर चीज. अब देखिए डिमांड फैक्टर भी जो है वो अपने पास क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के लोड है उनके लिए अलग अलग होता है. ठीक है, तो देख लेते हैं. अपने पास वही फॉर लोड होता है, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, कमर्शियल एंड एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर. ठीक है, क्लियर चीज. अब देखिए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर इनके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास 90 से 100%, दोनों के लिए सेम होती है. और डोमेस्टिक के लिए अपने पास जो वैल्यू होती है वो अपने पास 70 से लेके 100% होती है. और इंडस्ट्रियल की बात करें तो कमर्शियल के लिए बात करें तो होती है 70 से 80%. ठीक है, क्लियर चीज. तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपने पास इंडस्ट्रियल से रिलेटेड होंगे, और किससे रिलेटेड होंगे, डोमेस्टिक लोड से. तो देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं अपने पास वो देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द लोड फैक्टर ऑफ डोमेस्टिक लोड, ठीक है, इन ए परसेंटेज. ठीक है, तो डोमेस्टिक लोड के लिए जो वैल्यू होती है वो अपने पास कितनी होती है, 10 से 15% होती है. तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड फैक्टर इज ए इंडस्ट्रियल लोड. ठीक है, तो इंडस्ट्री के लिए अपने पास जो लोड फैक्टर की वैल्यू होती है वो अपने पास होती है 60 से 65%. तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अपने पास क्या होगा, 60 to 65. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ ए डोमेस्टिक लोड. ठीक है, तो डोमेस्टिक लोड के लिए जो वैल्यू होती है डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 1.2 से 1.3. ठीक है, अब देखिएगा डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू बस एक ही ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू अपने पास मोर देन यूनिटी होती है. तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे अपने पास क्या, ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती. बाकी तीन ऑप्शन जो है वो अपने पास क्या है कि एक से मोर देन है, यानी कि यूनिटी से मोर देन है. इसलिए आपको डायरेक्टली याद रखना होगा कि किस लोड फैक्टर, किस फैक्टर के लिए, मीन कौन से लोड के लिए अपने पास वैल्यू क्या होगी डाइवर्सिटी फैक्टर की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड फैक्टर फॉर एग्रीकल्चर लोड. ठीक है, तो डिमांड फैक्टर एग्रीकल्चर लोड और अपने पास जो कमर्शियल लोड है, ठीक है, उनके लिए दोनों के लिए सेम होता है. इंडस्ट्रियल लोड के लिए दोनों के लिए सेम होता है 90 से 100%. इसलिए जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 90 से 100%. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर फॉर इंडस्ट्रियल लोड. ठीक है, यहाँ इंडस्ट्रियल लोड के लिए पूछा गया तो वो वैल्यू कितनी होती है, 1.3 से 1.6. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में.